अच्छा आज हम देख रहे हैं बूटस्ट्रैप के अंदर बूटस्ट्रैप कार्ड्स विद थंबनेल्स। मतलब आपने अक्सर ऐसा देखा होगा बूटस्ट्रैप की वेबसाइट्स के अंदर के जहाँ पे आपके पास नेविगेशन बार होती है, उसके बाद कैरोसेल होता है, इमेज स्लाइडर होता है, उसके नीचे कुछ कार्ड्स होते हैं, मतलब जिसके अंदर आप अपने फॉर एग्जाम्पल अगर ऑर्गेनाइजेशन के लिए वेबसाइट बना रहे हैं तो फॉर एग्जाम्पल उन कार्ड्स को तीन कॉलम्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है, जिसके अंदर इमेज भी होती है, कुछ टेक्स्ट भी होता है और बटन भी होता है रीड मोर जैसे, ठीक है, इस टाइप के कुछ कार्ड बनते हैं, ठीक है। तो वो कार्ड किस तरह से हम क्रिएट करते हैं थंबनेल्स के थ्रू उसको हम देखते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे आता हूँ, मैंने एक कंटेनर बनाया हुआ है और यहाँ पे क्लास अप्लाई की हुई है रो की, ठीक है, मतलब ग्रिड सिस्टम को फॉलो करते हुए चल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आता हूँ, एक और मैं डिव बनाता हूँ, ठीक है, और इसको मैं यहाँ पे क्लास देता हूँ थंबनेल की, ठीक है। मतलब एक थंबनेल बनाएंगे जिसके अंदर हमारे पास इमेज भी होगी, टेक्स्ट भी होगा और बटन्स भी होंगे, ठीक है, और उनको मैं चार कॉलम्स में डिवाइड करूंगा। किस तरह से, मैं यहाँ पे आता हूँ, एक डिव क्रिएट करता हूँ और इसको क्लास देते हैं हम कॉल MD4, ठीक है, और ये जो डिव है इसको मैं बंद कर देता हूँ थंबनेल के क्लोजिंग डिव के बाद, सही है। मतलब जितना भी थंबनेल है वो इन्हीं चार कॉलम्स पर मुश्तमिल रहेगा, ठीक है। यहाँ पे आता हूँ, अब इसके दरमियान में सबसे पहले मुझे चाहिए एक इमेज, ठीक है, मैं यहाँ पे आता हूँ इमेज और उसको सोर्स दे देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल वही जो हमारे पास इमेज थी, ठीक है। अब इसके अंदर मैं इमेज को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए कुछ क्लासेस दे रहा हूँ, ठीक है, एक क्लास दे रहा हूँ यहाँ पे IMG, बल्कि हम एक क्लास हमने पढ़ी थी ना, अगर हमें थंबनेल यूज करना है तो उसके साथ हम रिस्पॉन्सिव की क्लास यूज ना करें तब भी चलेगा, क्योंकि IMG जो थंबनेल की क्लास है वो भी रिस्पॉन्सिवनेस मेंटेन रखती है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं आऊं और अभी आपको यहाँ पे रिजल्ट दिखाऊं इसका, ठीक है, देखो मतलब आप अभी आप एक चीज नोट करो कि इमेज के ऊपर भी थंबनेल आ रहा है और वो इमेज खुद भी एक थंबनेल के अंदर है, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, इसी थंबनेल के अंदर मुझे कुछ टेक्स्ट भी चाहिए, ठीक है, और उसके अंदर ही थंबनेल के अंदर मुझे एक बटन भी चाहिए, ठीक है, मतलब कार्ड्स बना रहा हूं मैं, ठीक है। तो यहाँ पे आता हूँ, ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर मैं यहाँ पे कुछ भी टेक्स्ट, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं पैराग्राफ का टेक्स्ट ले लेता हूँ, पैराग्राफ का टैग जो हमने पढ़ा था, और यहाँ पे मैं कर दूं दिस इज माय सिंपल बूटस्ट्रैप कार्ड, ठीक है, ये टेक्स्ट है, ठीक है, जो मैं चाह रहा हूँ मेरे इस किस में शो होगा, थंबनेल के डिव के अंदर शो होगा, ठीक है, सही है। इस तरह मैंने यहाँ पे चार दफा इसको पेस्ट कर दिया। तो अभी अगर आऊं और आपको यहाँ पे रिजल्ट डिस्प्ले करवाऊं, ये देखो, देख रहे हो, एक थंबनेल के अंदर ही आपके पास इमेज भी है और आपके पास इसका टेक्स्ट भी है, ठीक है, यहां तक तो हो गया। अब फॉर एग्जाम्पल मैं चाह रहा हूं कि इसी के अंदर मुझे बटन भी चाहिए। अच्छा देखो, अभी यहाँ पे लाइन्स छूट रही है, देख रहे हो, मतलब जो मैंने पैराग्राफ लिखा है उसके अंदर लाइन्स छूट रही है, क्यों, क्योंकि जिस तरह मैंने लिखा है उसी तरह ये शो हो रहा है। अगर मैं इन सब को एक लाइन में शो कर दूं, ठीक है, यहाँ पे आता हूँ, फॉर एग्जाम्पल इसको एक लाइन में मैं शो करता हूँ, ठीक है, तो देखना है यहाँ पे इफेक्ट क्या होगा। ठीक है, अभी ये थोड़ा सेट हो गया, मैं अगर इसको जितना भी डेटा है उसको सारा डेटा एक लाइन में डिस्प्ले करवाता हूँ, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, अब सही है, ठीक है, इस तरह से भी आप कर सकते हो। अब मैं चाह रहा हूं ये जो मेरा टेक्स्ट है इसके नीचे कुछ बटन शो हो मुझे, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल चाहे आप एक बटन लो या दो बटन लो, ठीक है, मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल एक बटन लेता हूँ। देखो ये जो थंबनेल का डिव है ना, इसी के अंदर रहते हुए मैं सारा काम करूंगा, इससे बाहर जाऊंगा तो वो थंबनेल से बाहर चला जाएगा बटन, ठीक है, तो मैं यहाँ पे आता हूँ, ठीक है, इसको मैं फॉर एग्जाम्पल बटन, ठीक है, यहाँ पे आता हूँ और फॉर एग्जाम्पल अब इसको टाइप दे देते हैं बटन की, और इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल मैं कह देता हूँ इसको क्लासेस अप्लाई करता हूँ BTN, ठीक है, और यहाँ पे BTN मैं इसको बना देता हूँ इन्फो, सही है। तो यहाँ पे आके अगर अभी रिफ्रेश करके आपको दिखाऊं, अच्छा हमने इस बटन को नाम नहीं दिया, देख रहे हो, हमने इस बटन को नाम नहीं दिया बीच में, तो इसको मैं फॉर एग्जाम्पल कह देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल
क्लिक मी, ठीक है, यहाँ पे आके सेव करता हूँ तो ये आपके पास बटन आ गया, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ, देखो अभी ये लेफ्ट साइड पे शो है, मैं चाह रहा हूँ कि जितना मेरा ये बूटस्ट्रैप का थंबनेल है ना उसके अंदर पूरा स्ट्रेच हो जाए ये बटन, ठीक है। तो हमने इसके लिए एक क्लास पढ़ी थी, उसका नाम क्या था, हमने क्लास पढ़ी थी अभी, बटन ब्लॉक, BTN ब्लॉक, ठीक है, यहाँ पे BTN ब्लॉक, ठीक है। तो यहाँ पे आके इसको मैं सेव करता हूँ और यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखो, देख रहे हो अब आपके पास ये कार्ड की सूरत में आ रहा है, सही है। देखो इसके ऊपर आप सारी वो टैग वगैरह या CSS की क्लासेस यूज कर सकते हो इस पैराग्राफ के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल मुझे इसको बोल्ड बनाना है तो मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर बी का टैग ओपन कर लेता हूँ और जहां पे ये मेरा पैराग्राफ एंड हो रहा है मैं यहाँ पे बी का टैग क्लोज कर लेता हूँ, ठीक है, बोल्ड के लिए। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखो अब थोड़ा और डार्क हो गया मेरा टेक्स्ट, ठीक है। तो ये देखो ये एक कार्ड बन गया, ठीक है। आपने अक्सर इस तरह के कार्ड्स देखे होंगे इमेज स्लाइडर के नीचे या नेविगेशन बार के नीचे वेबसाइट्स के अंदर, तो मुझे ऐसे दो और कार्ड चाहिए। तो मैंने यहाँ पे सिंपल क्या करना है, ठीक है, ये जो थंबनेल वाला है ना, इससे पहले जो कॉल MD4 है इसको कॉपी करना है, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे इसको मैं मुझे कॉपी करना है और इसी के नीचे, ठीक है, इसी रो के अंदर रहते हुए, देख रहे हो मतलब ये हमारे पास रो का डिव है, अगर मैं आपको हाईलाइट करके दिखाऊं ये रो का डिव है, इसी के अंदर रहते हुए, ठीक है, एक ये आ गया और एक ये आ गया, ठीक है। अब देख रहे हो ये तीन आ गए, तो मैं यहाँ पे आके अगर इसको सेव करूं और रिफ्रेश करूं तो ये देखो ये तीन कार्ड्स मेरे पास आ गए। अब इस कार्ड्स के ऊपर आप फॉर एग्जाम्पल कैरोजल बना लो, इमेज स्लाइडर, उससे ऊपर आप नेविगेशन बार और जो भी हेडर की चीजें थी वो आप इससे टॉप में रख सकते हो, ठीक है। हम फॉर एग्जाम्पल इसमें मजीद कुछ चेंजिंग के लिए हम इसके बटन्स के जो कलर्स थे वो चेंज कर लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे BTN इन्फो था, यहाँ पे मैं इसको डेंजर कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे आके इन्फो की जगह फॉर एग्जाम्पल मैं वार्निंग कर देता हूँ या हम सक्सेस कर देते हैं, ठीक है, सेव करता हूँ और यहाँ पे आके आपको रिजल्ट दिखाता हूँ, देख रहे हो अब ये तीन आपके पास अलग अलग क्या बन गए, बूटस्ट्रैप कार्ड बन गए, ठीक है। और भी अपने हिसाब से अगर आप चाह रहे हो कि मैं इस बूटस्ट्रैप कार्ड का जो थंबनेल है इसके अंदर और भी कुछ डेटा इंसर्ट करवा सकता हूँ जो अच्छा लगे, तो वो भी आप करवा सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अच्छा देखो एक और चीज मिसिंग है यहाँ पे, इमेज का नाम, ठीक है, इमेज का नाम मिसिंग है। तो आपकी मर्जी है कि आप इमेज के नीचे डिस्प्ले करवाओ या इमेज के ऊपर डिस्प्ले करवाओ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम क्या कहते हैं, हम इमेज के ऊपर डिस्प्ले करवाते हैं, ठीक है, कि उसका नाम क्या है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आता हूँ और ये जो मेरा थंबनेल है, ठीक है, इससे ऊपर मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल H2 का टैग यूज करता हूँ और इसको मैं फॉर एग्जाम्पल नाम देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मार्केटिंग, सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पे आता हूँ, इसको मैं फॉर एग्जाम्पल सेव करता हूँ और यहाँ पे आके आपको रिजल्ट दिखाता हूँ, देख रहे हो टॉप पे आ रहा है। अब मैं चाह रहा हूँ ये सेंटर में डिस्प्ले हो, ठीक है, तो हम बूटस्ट्रैप की एक क्लास यूज करते हैं, टेक्स्ट सेंटर, ठीक है, सही है। तो यहाँ पे आके मैं इसको सेव करता हूँ और यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखो सेंटर में आ गई। अब देख रहे हो हमारे पास ये क्या बन गया, एक कार्ड बन गया, मतलब बिल्कुल परफेक्ट। अब आपकी मर्जी, आप टॉप पे डिस्प्ले करवाओ या इमेज के नीचे डिस्प्ले करवाओ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, फॉर एग्जाम्पल इसी को मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे जो मेरे दूसरे थंबनेल्स हैं उनके ऊपर भी मैं, ताकि पूरा सब कुछ एक लेवल में आ जाए। अच्छा ये थंबनेल से बाहर कर दिया मैंने, ये थंबनेल के अंदर आएगा, ठीक है, इस तरह से। यहाँ पे आके इसको सेव करता हूँ और यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखो, देख रहे हो अब आपके पास बिल्कुल सही तरीके का आ रहा है, ठीक है। तो ये अभी हमने सीखा इसके अंदर बूटस्ट्रैप के अंदर कार्ड बनाना, ठीक है, थंबनेल को फॉलो करते हुए, मतलब थंबनेल्स के अंदर, क्लियर है।